इंदौर में 140 दिन बाद कोरोना के 77 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले इंदौर में 18 मार्च को 100 पॉजिटिव मिले थे। निकाय चुनाव के बीच संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जांचें घट रही हैं। कोरोना से होने वाली मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने में भी गड़बड़ी की जा रही है। भोपाल में हुई मौत को 9 दिन बाद दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 140 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 30, जबलपुर में 10, ग्वालियर में 8, नरसिंहपुर में 4, बुरहानपुर, सीहोर, उज्जैन में 2-2, डिंडोरी, होशंगाबाद, खंडवा, मुरैना, रायसेन में 1-1 नया मरीज मिला है। भोपाल के नरेला इलाके में 77 साल के हेमराज पवार कस्तूरबा अस्पताल भेल में 22 जून को भर्ती हुए थे। एक दिन बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 26 जून को उनकी मौत हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें गंभीर न्यूरो प्रॉब्लम और डायबिटीज थी। हेमराज के बेटे ने बताया कि पापा को निमोनिया की समस्या थी। वे न्यूरो प्रॉब्लम के कारण 4 साल से बेड पर ही थे। उनकी मौत के 9 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनकी मौत की जानकारी दर्ज की है। इसी तरह भोपाल के ही बाग मुंशी खां निवासी 60 साल के शौकत खां की मौत 27 जून को हमीदिया अस्पताल में हुई थी। शौकत के बेटे सहाब ने बताया कि 16 जून को पापा को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया था। भर्ती करने के पहले कोरोना की जांच कराई गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं बताई गई। 27 जून को जब पापा की डेथ हो गई, उसके अगले दिन बाद मैसेज मिला कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। स्वास्थ्य विभाग ने उनकी मौत की जानकारी को हफ्ते भर बाद 4 जुलाई को बुलेटिन में दर्ज किया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।